को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकतंत्र के मायने यही है क्या देश में? देखो, अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, चाहे सीटिंग सीएम हो, चाहे सीटिंग पीएम हो, और इवन चाहे सीटिंग जज हो, किसी को भी गिरफ्तार होने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कानून के सामने सब बराबर हैं। मगर अब जो गिरफ्तारी हो रही है, ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि हमारा प्रीएम्बल ये कहता है कि देश के हर नागरिक को पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब है? इलेक्शन किसी को कंटेस्ट करना है, या इलेक्शनों के दौरान जानबूझ के किसी को बदनाम करना है, या इलेक्शन के दौरान छापे डालने हैं, ये सारी पुलिस यही है, ये सारी एजेंसियां यही थी, ठीक इलेक्शन के बिल्कुल पास में। ये केस कितना पुराना है, सालों पुराना केस है, सारी एजेंसी सरकार के पास है। वो चाहे जिसको मर्जी उस वक्त गिरफ्तार कर सकते थे अगर उनके पास सबूत है तो। एन इलेक्शन पे आके पहली बात तो इलेक्शन कमीशन को ये सब कुछ देखना चाहिए, ये इस तरह का काम अब देश में नहीं होना चाहिए। और कोर्टों को भी देखना चाहिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी ड्यूटी बनती है। इस वक्त कोई पकड़ा धकड़ी हो रही है, या इस वक्त जो भी पॉलिटिकल या अपोनेंट लोगों को, जो सरकार की आलोचना करते हैं, उन लोगों को अगर उनके खिलाफ केस किए जाएं या उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको पहली बात तो उनकी गिरफ्तारी रोकी जाए, अगर हो भी जाए तो उनको तुरंत जमानत दी जाए। यही पॉलिटिकल जस्टिस की डिमांड है, यही प्रीएम्बल और यही देश का कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है। अगर ऐसा नहीं करती हमारी संस्थाएं और इलेक्शन कमीशन, तो इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन संविधान के अनुरूप काम नहीं करा। और अगर हमारी कोर्टें भी प्रोटेक्शन देने में फेल होती हैं, तो इसका मतलब है कोर्टें भी प्रेशर में काम कर रही हैं, जो कि असंवैधानिक है। और इसी वजह से जब देश की संस्थाएं देश के प्रीएम्बल और संविधान के अनुरूप प्रो पीपल लोगों के अनुरूप काम ना कर पाए, और संविधान के व्याख्या भी सत्ता और शासन के पक्ष में करें, और उसकी व्याख्या, कानूनों की व्याख्या देश की जनता के हक में ना करें, उनके अनुरूप ना करें, उनके फेवर में ना करें, पर वो जनता ना करें, जनता के पक्ष में ना करें, ऐसी इंटरप्रिटेशन चाहे हाई कोर्ट करे चाहे सुप्रीम कोर्ट करे, वो संविधान का मजाक है, वो देश की जनता का मजाक है, वो देश के मालिक वी द पीपल का मजाक है। और जब संस्थाएं देश को प्रोटेक्ट करने में, देश के आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल, यानी क्या कहेंगे हिंदी में पॉलिटिकल को, राजनीतिक न्याय करने में सक्षम ना हो, उसके अनुरूप इलेक्शन कमीशन भी ना काम करे। इलेक्शन कमीशन ने दुनिया भर के सेक्रेटरी और डीजीपी और ये अफसर बदल दिए, तो इसलिए इस वक्त में ईडी के भी और इनकम टैक्स और सीबीआई के भी तीनों जगह के अफसर बदलने की जरूरत है। और हम ये मांग करते हैं कि तीनों अफसर बदलने चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि यहाँ पर पपेट लोगों को बिठाया हुआ है, चमचे लोगों को बिठाया हुआ है, ऐसे लोगों को बिठाया हुआ है जो सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। और इस वक्त सरकार कार्यवाहक सरकार है, अगर अभी भी ऐसा होगा और इलेक्शन कमीशन इसमें संज्ञान नहीं लेगा, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देश को ये न्यायिक, राजनीतिक न्याय देने में सक्षम नहीं होंगी, या सरकार के पक्ष में दबाव में काम करती हुई नजर आएगी, तो लोग मांग करेंगे। और मैं तो अभी मांग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो दिखाई दे रहा है और वकीलों को दिखाई दे रहा है कि वो काम नहीं हो रहा। कानून की व्याख्या देश के लोगों के पक्ष में करने की बजाय किसी खास अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्याख्याएं हो रही हैं, और लोगों को जमानत देने से मना किया जा रहा है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं ऐसे माहौल में। ये इमरजेंसी से भी बुरा माहौल है। अगर अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को नहीं बचाया और इनको जमानत नहीं दी, तो देश ये समझेगा देश के साथ ये मजाक है और देश के साथ राजनीतिक न्याय नहीं हो रहा। और ये इमरजेंसी की तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देश के साथ न्याय नहीं कर पाई, बल्कि उससे भी बुरी स्थिति में पहुंच गई, ऐसा देश के लोग फिर मानेंगे। हम तो बींग एडवोकेट ये मांग करते हैं अभी से, देश में कार्यवाहक सरकार होते हुए भी इस तरह से काम कर रही है सरकार, जैसे वो कार्यवाहक नहीं, खुद ही अभी सरकार में है, अभी इलेक्शन एक तरह से घोषित नहीं हुआ, इस तरह से काम कर रही है। तो अनुरोध है राष्ट्रपति महोदय से कि वो रीढ़ की हड्डी देश के सामने दिखाएं और अपनी पावर का यूज करते हुए राष्ट्रपति शासन देश में लगाया जाए। लेकिन दिल्ली सरकार, एक और मैं कहना चाहता हूँ, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और देश के अंदर इलेक्शन भी। ये सुप्रीम कोर्ट से, खासतौर पर चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट है कि वो देश के इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन पे देश के लोगों का विश्वास नहीं है, जिस तरह से सारी प्रोसेस को धराशायी करके इलेक्शन कमीशन नियुक्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को तो चाहिए था तो स्टे करना, ऐसे लोगों की अपॉइंटमेंट रद्द करनी चाहिए थी। एक बार रूल ऑफ गेम अगर तय हो जाते हैं, फिर आप बीच में रूल चेंज नहीं कर सकते। ये खाली प्रोसेस नहीं है, आप एक तीसरे इंपॉर्टेंट आदमी को कैसे एक आध घंटे के पहले नाम बताते हैं,
और वो भी 10 नाम बताने चाहिए थे, 6 नाम बताए, वो कौन चोर उचक्के हैं, क्या उनकी हिस्ट्री है, कैसा उनका व्यवहार है, कैसे उन्होंने अपनी नौकरी में लोगों को न्याय दिया कि नहीं दिया है। तो इतना जल्दी इमीडिएट स्टे करना चाहिए था, और उसमें जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है, मजाक है संविधान का और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। इसलिए चीफ जस्टिस की देखरेख में चुनाव आयोग चुनाव कराए, चुनाव आयोग पे अंकुश जरूरी है, वरना बेलगाम घोड़े की तरह इस देश की डेमोक्रेसी को और मतदान के अधिकार के साथ ये मजाक करेंगे और डब्बे के जरिए चुनाव करके 100% देश की जनता को लग रहा है कि ये चुनाव देश की जनता की बजाय देश की जनता का नाम होगा, झूठे वादों के हिसाब से होगा और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, लोगों में भ्रम डाला जा रहा है कि इसकी वजह से इतनी सीटें आएंगी, 400 सीट आएंगी, 400 पार जाएंगी। ये साइकोलॉजिकल वार चल रहा है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है कर रहे हैं। कोई सीट वीट आनी नहीं, कोई सरकार बननी नहीं, अगर सरकार बनती है तो सारा आरोप और सारा इसका एक तरह से सरे जाएगा इस देश की न्यायिक व्यवस्था को, कि देश के लोगों के साथ सही पॉलिटिकल जस्टिस नहीं हुआ है और उन्होंने समय पे नेताओं की पकड़ धकड़ नहीं रोकी है, वो स्टेकन नहीं कर पाए हैं कानून लोगों को इस तरह प्रोटेक्ट करने में। ये स्पेशल ओकेजन है, ये आम समय नहीं है देश के लिए, इसलिए हम कोई भी नेता गड़बड़ करे, चाहे प्राइम मिनिस्टर, वो भी जेल में जा सकता है और जाना भी चाहिए, मगर इलेक्शन के वक्त में हम नहीं चाहते इस देश में खुल के एट पार लेवल प्लेइंग फील्ड के आधार पे इलेक्शन अगर नहीं होंगे तो देश का ये बेड़ा गर्क करने वाले लोग होंगे, चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हो, सुप्रीम कोर्ट को भी ये देश उसी तरह से देखेगा और उसी तरह का एक तरह से अपमान सहना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को भी, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में देश के साथ और देश के अधिकार को बचाने में फेल हुई तो। और चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट है कि कम से कम इमीडिएटली, ये इमरजेंट सिचुएशन है, इमरजेंसी की सिचुएशन देश के सामने, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाए, 5 जजों का बेंच बनाए और जिनके सामने केस पेंडिंग है, जिन जजों से पूरे देश को लग रहा है कि वहां पर लोगों को जमानत नहीं मिल रही, वहां पे इलेक्शन कमीशन से संबंधित केस की सही सुनवाई नहीं हो रही, उसको लिंगर ऑन करने की कोशिश हो रही है, ऐसे माहौल में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना के इमीडिएट चीफ जस्टिस को पावर है ये, और उनको या वो काम करना चाहिए देश के सामने, तुरंत देश के हकों का प्रोटेक्शन करना चाहिए। ईवीएम से अगर चीफ जस्टिस चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चाहता है ईवीएम सही है और वीवीपैट कंपलसरी करे सभी मशीनों के साथ, तब भी थोड़ी बहुत बात बन सकती है, लोगों का विश्वास बना रह सकता है। लेकिन दिल्ली सरकार के 2-3 मंत्री पहले से जेल में हैं, ये भी जो जवाब नहीं दे पा रहे थे, जो सम्मान आ रहे थे, तो ये भी गुमराह कर रहे थे न्यायालय को। न्यायालय को गुमराह नहीं कर रहे थे, इनको पता था सम्मान किस बात का आ रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री को किस तरह पकड़ा गया, किस तरह का मामला था, अरे जो लोग पार्टी में गए और बीजेपी में चले गए, जिन पे जांच हो रही उनसे तुम चंदा ले रहे हो, जिन पे जांच हो रही है उनसे तुम सरकारी गवाह उनको बना रहे हो, और उन्हीं के सरकारी गवाह बना के जिस तरह से इस देश में भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी तोड़ा गया था झूठे मुकदमे बनाकर, सरकारी गवाह बना के, इसीलिए देशद्रोह कानून और ये गवाह बनाने का रीति रिवाज ये अंग्रेजों ने, जो दूसरे देश के लोग थे, इस देश में शासन बनाने के लिए किया था। किसी को भी डरा धमका के या लालच में सरकारी गवाह बनाते थे और अपने ही देशभक्त सपूतों को, बहुत लोगों को फांसी चढ़ाया है, बहुत लोगों को जेल में और काला पानी भेजा है इसी तरह के गद्दार लोगों की वजह से। और वो गद्दार भी क्या करे, मजबूरी में बहुत सारे लोग झुक जाते हैं, उन्हीं को सरकारी गवाह बना के और बार बार, इतने 1 साल हो गया, सारा देश की एजेंसी लग ली, पैसा एक मिला नहीं आज तक, देश का इंटरेस्ट देश के लूटे हुए पैसे में है, देश का इंटरेस्ट देश के लोगों को जेल में डालने के लिए नहीं है, देश का पैसा। दो सीएम जेल में चले गए हैं लेकिन विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा इस सब चीजों के खिलाफ में। अरे विपक्ष एकजुट है, सत्ता इतनी निरंकुश है, इमरजेंसी के अंदर नेता जेल में हो गए थे, वही सिचुएशन है, उसे बैंकर सिचुएशन है, और जो आदमी बोलते थे उनके खिलाफ एक्शन लेते थे, कितनी दुनिया के ऊपर मुकदमे बनाए थे इन लोगों ने, उससे भी भयंकर स्थिति है देश में, जहां धारा 44 किसानों के सामने बंदूक ड्रोन ऐसी गैस छोड़ना जो उनके लंग्स और आंखों के लिए खतरनाक है, दिल के लिए खतरनाक है, एक तरह से ये देश के दुश्मन है। देश में जो लोग सत्ता में होते हैं उनको समय के लिए चुनते हैं लोग, मगर ये सोचते हैं हमें ही चुने इसलिए हम ही बने दोबारा, इनको
ऐसे लोगों को कहते हैं कि खून मुंह लगना, और उस तरह से ये जनता के प्रतिनिधि नहीं है, जबरदस्ती जनता के प्रतिनिधि बने रहना चाहते हैं, इससे बड़ी गद्दारी, इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा। लेकिन 1925 में जो बना था संघ, अगले साल 100 साल हो जाएंगे, साम दाम धन भेद की राजनीति कर रहे हैं ये, तो क्या कहां तक जा सकती है बीजेपी? देखो बहुत कुछ भी जा सकती है, और संघ का तो नैतिक पतन पूरे देश ने देख लिया, संघ बैक में है, जो कुछ काम हो रहा है वो सब संघ के इशारे पे हो रहा है, इसलिए संघ का पता इस तरह हम देख पाते हैं। संघ कोई अच्छा संगठन अगर होता तो ये दिखाई नहीं देता, संघ को अपने हिडन एजेंडे को, जो इवन बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी नहीं होता, वो सारा हिडन एजेंडा, सारी संस्थाओं पे कब्जा, शिक्षा पे कब्जा, और इस तरह से मंदिर मस्जिद करना, ये सारा का सारा इसका सिलेबस सारा तैयार होता है संघ द्वारा, सरकार उसको एग्जीक्यूट करती है जो बीजेपी है, और ये सारा का सारा देश के खिलाफ षड्यंत्र है, ये अच्छी बात नहीं, हमारी भावी पीढ़ियों के लिए सही नहीं है, वसुधैव कुटुंब के अनुरूप नहीं है, और देश सारा 140 करोड़ का हमारा एक परिवार है उसके भी खिलाफ है, फ्यूचर दुनिया का है, पूरी मानव जाति एक और संप्रदाय अनेक, संप्रदायों के आधार पर मानव जाति आपस में नफरत करे, अलग अलग हो, ये मंजूर नहीं, दुनिया संप्रदायों को लात मारेगी, पर मानव जाति एक परिवार होते हुए, एक जात होते हुए मिलके रहेगी, यही वसुधैव कुटुंबकम है, और उसमें ये सब आड़े आते हैं। आरएसएस उस तरह का संगठन नहीं है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात तो करते हैं मगर वसुधैव कुटुंबकम को तार तार करने की बात करते हैं। इसलिए साथियों, वी द पीपल, जब देश की संस्थाएं जो आपके लिए काम करती हैं, व्यवस्था कायम रखने के लिए और उसको संभालने के लिए जिम्मेदारी जिन लोगों को दी जाती है, जब वो लोग चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सरकार के रूप में मंत्री संतरी पीएम सीएम हो, और या जुडिशियरी के रूप में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो, जब तीनों से आपको न्याय ना मिले तो बागडोर आपके हाथ में है, आप बागडोर को संभालो और वो काम करो जो आप सबके लिए 140 करोड़ के परिवार के लिए जरूरी है। धन्यवाद।